उधर भी है, ले लो वीडियो बना कर। जैसे आज आपको टाइम निकालने का है यहाँ पर, तो आप कितना बजे आए और क्या क्या बोलते हैं? सबसे पहले नमस्ते प्रणाम। और इसमें गुनाहगार देखिए, ना मैं हूँ और ना ही जनता है और ना ही यहाँ का प्रशासन है। गुनाहगार वो है जो परमिशन लिया हो गया जी, और परमिशन रद्द होने के बाद भी हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया। इनसे थोड़ा और मैं यहाँ पे करीब 7:30 बजे मैं बॉर्डर पे आ गया था, सुबह के सुबह 7 बजे मेरा 11 बजे से कार्यक्रम था, तो मैं सुबह 7 बजे और जब मेरा कार्यक्रम लिखने की बात थी तो यही गए थे कार्यक्रम लिखवाने। एक बार दिखा दीजिए, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नौतु चौधरी नाम है। मेरा नाम नौतु चौधरी हो? हाँ, वहाँ खेसारी भाई भैया संग महीने गए थे पैसा वहाँ पुराने लाई 35 लाख। वहाँ पे कितना बजे? 10 बजे 11 बजे हम लोग नेपाल कितने बजे एंट्री किए थे? नेपाल यहाँ पे हमको तो कितना 6 बजे 7 बजे हमको सुबह में हम लोग 9 बजे होटल में एंट्री किए हैं। सुबह हम नहीं आए तो भैया, हम नहीं थे। आपका ही आदमी के वहाँ कति खेर आईपुग्नु यहाँ? वहाँ चाहिँ गएर 7 बजे मेरो साथीले सोद्धाखेरि 7 बजे वहाँ जुन छ हाम्रो यहाँ होटलमा आइसक्नु भएको थियो। अनि त्यसपछि गएर हामीलाई पनि कुनै जानकारी न तपाईँलाई गरियो, पुलिस प्रशासनबाट कुनै जानकारी भएन। एक्कासी उहाँले जब गएर तपाईँलाई गएर जुन छ के अरे 12 बजेतिर पनि जुन छ जब गएर आदि मान्छे उहाँको भित्रै सकेपछि गरि तपाईँको जुन छ उहाँहरूको म्युजिसियनहरू अरू विभिन्न मान्छे 15-16 जना भित्रै सकेपछि त्यसपछि हामी एउटा टिकट पनि गएर सुरु गर्यो। अनि त्यसपछि गएर अब अलिअलि ढिलो ढिलो हुन थाल्यो। अनि उहाँले बोलाउँदाखेरि त्यतिखेरसम्म अब कोरोना कारणले हो के कारणले हो उहाँ त्यसपछि गएर यहाँ पुलिसले घेरेर राखेको थियो। त्यसपछि हामी जान नै पाएन। और हिन्दी में भी बोलिए प्लिज। हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। तो आज जो स्टेज यहाँ पर बना हुआ था, आपका प्रोग्राम भी था, तो आपका कौन कौन सा क्या पूरा टीम, कितने आदमी का टीम था, क्या क्या इक्विपमेंट आपका हुआ था? 30 लोग थे हम, और हमारे इंस्ट्रूमेंट जो बजाने वाले लोग थे वो थे, और हमारी डांसर ग्रुप की लड़कियां थी। और सबसे बड़ी बात कि ये लोग जब मेरा कार्यक्रम किए तो इन लोगों ने बताया ही नहीं कि टिकट शो है। टिकट शो का मुझे पता ही नहीं था। मैं जब यहाँ आया, जब ये सारे हंगामा हो गए होने के बाद मुझे पता चला कि टिकट शो था। और उसमें जनता की क्या गलती है? नेपाल की जनता चाहे कहीं की जनता भोली भाली होती है, उसको ये पता नहीं होता है भाई। वो अपने बेटा को प्यार करने, अब मेरे बारे में क्या बोल रही है जनता, किसी के बारे में बोलेगी? क्योंकि उसको हकीकत पता ही नहीं है। तो टिकट शो के नाम पे इन लोगों ने मुझे बुक ही नहीं किया था। और जब इनका परमिशन फेल हुआ, सरकार ने कोविड की वजह से परमिशन इनका रद्द किया, इनको मना किया कि आप कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। आपसे कितना दिन पहले एग्रीमेंट हुआ था यहाँ पर आने का? मेरा तो 5-6 दिन पहले ही ये कार्यक्रम तय हुआ है, राइट ना? 5-6 दिन पहले, 5-6 दिन पहले। और ये लोग 5-6 दिन पहले ही मुझे तय किए। मैंने वीडियो भी बनाकर 2 दिन पहले वीडियो बनाया, 16 तारीख को। तो 2 दिन पहले मैंने इनको वीडियो दिया था, तब इनको पता चल चुका था। तब तक इनको पता चल चुका था कि परमिशन रद्द है, प्रशासन हमें ये कार्यक्रम नहीं करने देगी। उसके बावजूद भी इन लोगों ने, मैं यहां तक आ गया उसके बावजूद भी ये पूरे दिन टिकट काटते रहे। और मुझे पता ही नहीं है कि टिकट कट रहे और टिकट पे कार्यक्रम है, और लोगों को सिर्फ गुमराह करते रहे। और उसमें नुकसान ये हुआ कि 4 स्कॉर्पियो लोगों ने जला दिया। इसमें मैं पब्लिक जनता को मैं बिल्कुल दोष नहीं बोलूंगा, क्योंकि इन लोगों ने गुमराह जनता को भी किया और मुझे भी किया। तो आपको आपका कहना है कि जो भी हुआ आयोजक की तरफ से, आयोजक, हाँ आयोजक अगर मुझे सुबह ही बता दिया होता कि भैया यहाँ परमिशन नहीं है, प्रशासन हम आपको नहीं दे सकते, तो इसमें प्रशासन का भी कोई रोल नहीं है भाई। प्रशासन, अब मैं यहाँ आया 8 बजे 9 बजे मैं पहुंचा, 9 बजे पहुंचने के बाद 10 बजे मैं रेडी होकर बैठ गया, जैसे निकलना चाहा पूरी प्रशासन पूरे होटल को घेर लिया गया कि आप कार्यक्रम करने जा ही नहीं सकते। तो मैं प्रशासन को तोड़ के तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं आउट ऑफ इंडिया हूं, ये इंडिया तो है नहीं, ये बिहार तो है नहीं, यूपी तो है नहीं। अब प्रशासन बोल रहा है कि आप जा ही नहीं पाओगे, आपको नहीं जाने देंगे हम, क्योंकि वहां पे कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आपको कुछ हो जाएगा तो भाई उसका जिम्मेदार हम पे आ जाएगा। जो प्रशासन, नेपाल की प्रशासन निकम्मा है, और नेपाल की प्रशासन ने खेसारी लाल यादव को सुरक्षा नहीं दिया,
तो हम अपने पे रिस्क नहीं लेंगे, इसलिए आप यहां से नहीं जा सकते। और मैं अभी वही कपड़ा पहन के बैठा हूं सुबह से, अभी खाना तक हमें नहीं, मैंने नहीं खाया, कि कितने लोगों को प्रॉब्लम हुई होगी। मेरे जितने भी बंदे वहां थे कोई ऐसा आदमी नहीं था जिसको चोट नहीं लगी है, सबको चोट लगी है, क्योंकि पब्लिक को कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव चाहिए था और मैं उसी के लिए आया भी था, इसमें मेरी कोई गलती, आयोजक ने एक शब्द अभी तक, जो मेन आयोजक है अभी तक मिलने नहीं आया मेरे से। क्या नाम है भैया उनका? क्या नाम है उनका? उसका शर्वण जी, शर्वण जी अभी तक मिलने तक नहीं आए। पूरा नाम क्या उनका? शर्वण जी का? शर्वण शर्वण चौधरी है उसका नाम, शर्वण चौधरी। तो शर्वण चौधरी अभी तक मेरे से मिलने तक नहीं आए, हम लोग सारे लोग अभी तक खाना तक नहीं खाए, सुबह सब लोगों ने नाश्ता करके और कार्यक्रम के लिए जा रहे थे हम लोग। और जनता, अब जनता की नजर में ये चीजें लग रही है कि मैं आया नहीं। अभी आप देख ही रहे ना कि यहाँ पे हैं, ये भी हैं हमारे प्रशासन, यहाँ के प्रशासन भी, हमारे हमारे एसपी साहब के जो हमारे प्रशासन के लोग हैं वो भी हैं। ऐसा नहीं है कि मैं गलत हूं, मैं किसी का काम लेता हूं तो मैं अपने जीवन में मैं 24 घंटा वर्क करने वाला इंसान हूं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कार्यकर्ता लोगों ने जनता को भी बैकअप बनाया और मुझे भी बैकअप बनाया। आज कम से कम 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ सिर्फ खेसारी लाल यादव के, 4 स्कॉर्पियो को जला दिया गया। इसमें दोष जनता को मैं कैसे दे सकता हूं? इसमें दोष तो इनका है, हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट तोड़ दिए गए, हमारे लड़कियों को चोट पहुंची, तो इसमें दोष ना उन जनता का है और ना ही हमारा है देखा जाए, और ना ही यहां के प्रशासन का है, ना ही सरकार का है। जब सरकार आपको पहले कोविड की वजह से मना कर दिया तो ये कार्यक्रम आपको पहले ही रद्द कर देना चाहिए, जब 2 दिन पहले ही आपकी परमिशन रद्द की गई तो आपको पहले जनता को बता देना चाहिए कि कार्यक्रम, या मुझे ही बोलते कि भाई एक बार लाइव आकर बोल दीजिए कार्यक्रम कैंसिल हो गया। जैसे आप अभी कोविड तो नेपाल और इंडिया दोनों तरफ ही एक ओमिक्रॉन का जो एक संक्रमण है एकदम तीव्र रूप में आगे बढ़ रहा है, तो जैसे आप लोग का एग्रीमेंट हुआ उस समय आपने नहीं पूछा था कि मतलब इस ढंग का? देखिए मैं बोला भी था, इन लोगों से बोला भी था कि क्या कोविड का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो नहीं नहीं सर, वहां परमिशन हमें मिल गया, तो जब सरकार परमिशन इनको कार्यक्रम के लिए दे दिया तो मैं भी निश्चिंत हो गया कि हो सकता है कि वहां इतनी महामारी नहीं होगी, तो मैं क्लियर हो गया कि जब सरकार का लेटर मेरे पास, प्रशासन का लेटर ऑलरेडी आ गया कि हाँ परमिशन है कार्यक्रम होगा। और इन लोगों ने मुझे यही बोला था कि मेला का कार्यक्रम है, ये नहीं बोला था कि टिकट काट रहे हैं। नेपाल में आपका आगमन पहली बार है? नहीं नहीं, मैं ये दूसरी तीसरी बार आया हूँ, मैं विराटनगर खासकर विराटनगर में पहली बार आया हूँ, बाकी वीरगंज में बहुत बार आया हूँ, एक दो बार ऐसे भी आया हूँ और एक दो बार कार्यक्रम करने। आप बता रहे हैं 1.5 करोड़ करीब का सामान आपका जो नुकसान, नुकसान हुआ, और क्या इसके बाद क्या? इसके बाद लोगों के अंदर जो छवि मेरी बर्बाद हुई, लोगों के दिमाग में तो ये बैठ गया ना कि मैं नहीं आया। देखिए एक मैं अपने जीवन में अपने सभी के लिए हमेशा काम करता हूं और हर आदमी करता है, लेकिन किसी और के वजह से जनता को परेशानी हो, मैं आज तक जनता को परेशान करने वाला कोई काम नहीं किया, मैं मनोरंजन करने वाला आदमी, हमेशा उनको खुशी देने का काम करता हूं। और आज इन लोगों की वजह से लोगों के नजर में मेरी छवि खराब हो, लोगों के नजर में लगा कि खेसारी लाल यादव आया ही नहीं, जबकि सुबह 7 बजे से मैं होटल पे हूं 8 बजे से। अब इससे आपका एक जो फैन फॉलोइंग है उसको भी नहीं, जनता को हकीकत पता चलेगा तो जनता बैकअप थोड़ी है, और जनता ने जो किया है वो भी वो अपने हिसाब से बिल्कुल सही है। मैं कुछ जनता को मैं गलत नहीं बोल सकता, क्योंकि गलत तो इन लोगों ने किया कि इन लोगों ने परमिशन नहीं रहने के बावजूद भी मुझे बताया तक नहीं, तो मैं सुबह आया जरूर, मैं बिना कार्यक्रम किए मैं लाइव आ जाता कि प्रशासन की वजह से कार्यक्रम रद्द हो गया है, आप लोग नहीं आइएगा कार्यक्रम में, तो लोग नहीं आते, लेकिन इन लोगों ने बताया ही नहीं। सर उस पर साइन भी करना होगा ना? हाँ, तो वो सारी चीजें। और अभी कार्यकर्ता में एक आदमी आया और वो सुबह से मेरे साथ यहाँ पे थे, लेकिन अभी वो गायब हो गए, ये है सुमित जी नाम है उनका, वो भी गए थे रिसीव करने, वही हमें बॉर्डर से हमें अंदर किए, तो मेरी इसमें गलती 1% की नहीं। व्हाट्सएप लोकेशन से लेकर हर डिटेल वही दे रहे थे हम, और ये सुबह 7 बजे भी हमें नहीं बता रहे हैं कि प्रोग्राम कैंसिल हो गया है, सर प्रशासन ने मना कर दिया है, सरकार ने मना कर दिया है, इन लोगों ने गुमराह रखा हमें, हमें गुमराह किया कि नहीं आप आइए कार्यक्रम होगा। तो आपका आगे का जो अब इसके बाद का क्या आपका क्या करेंगे? क्या देख रहे थे कुछ लेते हैं आप इसके बाद? आपका क्षति हुआ, आपका एक हिसाब से क्षति तो आयोजक ही देगा ना, क्षति जो हुआ है गलती इनकी है, इनको तो पूरे जनता का पैसा लौटाना चाहिए।
जनता की क्या गलती है भाई, वो तो अपने स्टार को देखने आ रही है, तो इनको पूरे जनता का, नेपाल के जनता के साथ इंसाफ करना चाहिए इनको, क्योंकि गलती इनकी है, इसमें गलती जनता नहीं है और ना ही खेसारीलाल यादव है और ना ही सरकार है ना ही प्रशासन है। कि जब आपको मना कर दिया गया कि आप ये कार्यक्रम नहीं कर सकते, तो फिर आपने जबरदस्ती जनता को गुमराह क्यों किया, जनता को बेवकूफ क्यों बनाया, खेसारीलाल यादव को बताया कि नहीं? मैं तो इतना ही कहता ना कि भाई ये कार्यक्रम कैंसिल हो गया, क्योंकि यहां पे कोविड के वजह से प्रशासन ने मना कर दिया, सरकार इसकी अनुमति नहीं देती है। मैं लाइव आके लोगों को बोल देता, लोगों को समझा देता, तो टिकट तो नहीं कटाते ना वो, तो टिकट आपका यहाँ आने का जो एग्रीमेंट था उसमें कितने में डील हुआ था और कितना पैसा आपको मिल चुका है? देखिए वो अंदर की बातें होती है, उस डील को हम लोगों तक नहीं बता सकते कि क्या बातें हैं क्या नहीं, क्योंकि वो अंदर की बातें हैं कि हम कितना में, हम प्यार में आए हैं कि हम मोहब्बत में आए हैं कि हम दो रुपया लेकर आए हैं कि हम खर्चा पे आए हैं, वो आपस की बातें होती है। लेकिन अंत में इस घटना के बाद आप क्या अंतिम निचोड़? नहीं, मेरा कहने का मतलब कि जो नुकसान हुआ है अब वो तो कहीं ना कहीं आयोजक कर्ता को ही भरना पड़ेगा, क्योंकि मेरी गलती तो 1% नहीं है। मैं तो रात को निकला हूं, पटना से रात को निकला मैं और मैं आ गया, तो मेरी तो गलती है। अगर मैं नहीं आया होता तो शायद मेरी गलती थी, क्या खेसारीलाल यादव नहीं है? तो अब क्या कदम लेंगे आप, जैसे आपका कदम क्या उठाना है? तो अभी तो अब जनता को इंसाफ करना है कि आयोजक कर्ताओं के साथ इनको क्या करना है, मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं तो जनता का प्यारा बच्चा हूं, मैं इनके लिए ही आया था। नहीं, अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं? मैं अपनी तरफ से क्या करूंगा? अब इनको पूरे जनता का पैसा इनको लौटाना चाहिए, मेरा जहां तक सवाल है, क्योंकि जनता जो है वो बहुत मेहनत करके अपने बेटे को देखने आई थी तो और इन लोगों ने उनके साथ धोखा किया, ये मेरे साथ धोखा किए और मेरा 1.5 करोड़ का नुकसान आज हो गया, कम से कम 1.5 करोड़ का। 4 स्कॉर्पियो को जिंदा जला दिया गया, अब जिंदा ही बोलेंगे उसको, वो खड़ी थी, चलने वाली चीजें थी और उसको जला दिया गया। हमारे इंस्ट्रूमेंट जो बजाने वाले थे, बैंजू हो, कीबोर्ड हो, पैड हो, ढोलक नाल तबला, कोई चीज नहीं बचा। अच्छा भैया, 10 बजे जब आप रेडी होके वहां के लिए निकलने वाले थे और प्रशासन यहाँ पे आ गई और आपको जाने नहीं दिए, तब क्या ऑर्गेनाइजर्स आपके पास आए थे? नहीं आए मेरे पास, ये लोग गेट के बाहर खड़े थे लेकिन आए नहीं। आप क्यों नहीं आए थे भाई साहब, ये बताएंगे प्लीज? मैं तो यहाँ आके हो जितना बोल सकते उतना ही बोलिए, जितना बोल सकते उतना बोलिए। खेसारी भैया को लेने जब 12 बजे के समय में, 1 बजे सुनील जी एकदम 11 बजे आ गए थे यहाँ से, लेकर ठीक है, आप खेसारी भैया को लेने जिससे हमारे चले गए थे। जब यहाँ पे प्रशासन ने रोक रहा था जाके, उसको खेसारी भैया को लेकर जाएंगे, 10 मिनट भी थोड़ा प्रोग्राम दिखाना है बोल के यहाँ पे आए। और भी एसपी से बात हुआ हमसे, बड़ा जुनू क्या बोलता है, मेयर साहब ने बात किया कहाँ, फिर भी हम लोग का दे देगा कि जाने के लिए भी, जब करते करते कोई बस नहीं चला तब तोड़फोड़ शुरू होने लग गया है। तो चलिए, और भैया का बहुत योगदान रहा हमारे लिए, दिल से थैंक यू भैया को। और यहाँ के मेयर है, ये मंत्री हैं, तो मंत्री जी ने भी बहुत कोऑपरेट किया और हम सर को भी धन्यवाद देंगे कि वो, क्योंकि वो आए हमारे लिए इतने रात को जी बेचारे, और इन्होंने भी अपना योगदान दिया मुझे, लेकिन हमें योगदान इनके तरफ से नहीं मिला। और मैं पूरी जनता से मैं क्षमा प्रार्थी मांगता हूँ कि मेरी गलती नहीं है, आप लोग मुझे दोषी ना समझें, क्योंकि मैं आपके प्यार और आपके मोहब्बत के लिए, आपके मनोरंजन के लिए दिनों रात मेहनत करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। और इन लोगों की वजह से, इसमें बताइए, अगर मैं आया और मुझे प्रशासन, पूरे नेपाल के प्रशासन 20 लोग आकर घेर लिए कि आप नहीं जा सकते, क्योंकि कोविड के लिए ऑलरेडी कार्यक्रम कैंसिल किया गया था, ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं और हम आपको नहीं जाने देंगे, तो कहीं ना कहीं मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो आउट ऑफ इंडिया हूं, यहाँ के प्रशासन को नहीं जानता, यहाँ के कानून को नहीं जानता, तो गलती तो इन्होंने किया, तो इसके लिए मैं आपका गुनहगार नहीं हूँ। मैं आया जरूर था सिर्फ आपके मोहब्बत के लिए, तो जिनके मन में मेरे लिए नफरत है, ये आप एक बार सच्चाई जान लीजिए कि हाँ मैं कहाँ से गलत हूँ। अगर मैं आया और 10 लोग घेर कर कहते कि आप नहीं जा सकते, अगर नॉर्मल इंसान घेर के कहे तो मैं बोल, हो सकता है कि मैं लड़ जाऊं, लेकिन मैं इंडिया, यहाँ नेपाल के गवर्नमेंट से तो नहीं लड़ने आया था, यहाँ के प्रशासन से झगड़ा करने तो नहीं आया था, तो इसलिए ये चीजें हुई है। तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ,
कि मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं आकर भी और आपके सामने कुछ कह नहीं पाया, कुछ गा नहीं पाया। क्या मुझे दुख नहीं है इस बात का? मुझे भी इस बात का दुख है, जितना आप दुखी हैं उससे कई गुना ज्यादा दुखी मैं हूं, क्योंकि मैं आके भी और आपका मनोरंजन नहीं करा पाया। ड्यू टू सिर्फ रीजन हमारे कार्यकर्ता लोग, जिन्होंने मुझे दो दिन पहले भी नहीं बताया, यहां आने के बाद भी नहीं बताया। नहीं तो मैं लाइव आके सारी चीजें क्लियर करके और आपको घर पे ही रोक देता कि आप मेला में मत आइए और टिकट कटाने की आपको जरूरत नहीं है। ये टिकट की भी बातें मुझे नहीं बताया कि हाँ टिकट शो है, और इन लोगों ने टिकट भी काटा और आज ये बता रहे हैं कि हमारा रिकवरी कैसे होगा। कोई ट्रस्ट है उसके, ये ट्रस्ट है कोई इनका, उसके लिए इन्होंने कार्यक्रम कराया था। तो मुझे बता देने में इनका क्या जाता? अगर बता दिए होते तो शायद मैं उसी हिसाब से आप यहाँ पे आता, या मैं मना भी कर सकता था कि नहीं हम ऐसा काम नहीं करेंगे। अब पूरे लेटर के साथ इन्होंने परमिशन का लेटर दिया, उसके बावजूद भी जब कैंसिल हुआ तो इन्होंने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। तो सो सॉरी, आप लोग मुझे क्षमा करिएगा, मैं खुद ही तकलीफ में हूँ, क्योंकि मैं आके भी नुकसान तो आना जाना लगा रहता है, लेकिन तकलीफ इस बात की है कि मैं यहाँ आके भी अपना समय दे के भी आपके बीच में आकर आपका मनोरंजन नहीं करा पाया। तो इसलिए सो सॉरी उसके लिए। बाकी जो मेरा नुकसान आज 1 से 1.5 करोड़ जो नुकसान हुए हैं, उसके लिए मैं क्या बोलूंगा? कार्यकर्ता है ये, जो आयोजन करता है, आयोजक है, देखिए कैसे भरेंगे, क्या भरेंगे। और मैंने FIR भी कर दी है यहाँ पे, इसके लिए प्रशासन का मदद आप ले रहे हैं? हाँ, प्रशासन का मदद लोगों को छोड़। और जिन लोगों को उस कार्यक्रम में चोट, जिस जनता को चोट लगी है उस कार्यक्रम के दौरान, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें, जल्दी आप ठीक हो जाएं, क्योंकि बहुत लोगों को चोट लगी है। मेरे टीम में किसी को ऐसा नहीं है कि मेरे टीम में किसी को चोट नहीं है, सबको चोट लगी है। लेकिन उसके बावजूद मेरे टीम के बाद भी मेरी जो जनता, जो भगवान स्वरूप जनता है, जिसको भी चोट लगी है, उसके लिए मैं दिल से दुआ मांगता हूं कि आप जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। थैंक यू सो मच, लव यू।